अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी मंजिंदर बादशेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं उठ चुकी हूँ और मैंने अपना इंट्रो जैसे स्टार्ट किया है, वरना हमेशा इंट्रो लेट बनता है। और ये इतना इरिटेट हो रहा है ना, सुबह सुबह इतनी आवाज़, इतना कोई कई काम चल रहा है, सुबह 9 बजे से वो गए 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 चालू है। अंदर आपको आवाज़ आएगी, सुनना अभी अभी अपने ये देखो आएगी, सुना? इतना इरिटेटिंग है, तो लेट सो और ये सुबह सुबह चालू हो गया। खैर चलो फिर अब अपने जो भी है, जो भी रूटीन चलेगा उस पर लग जाते हैं। बाय। आज हमारे घर में कोई तो आया है, एक दुल्हन है, न्यू दुल्हन है, पहचानो कौन है? सुबह होते साथ एक सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, सुबह होते एक चांद सा चेहरा हमने अब तक देखा नहीं, दिखा था तो चेहरा। अरे 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 मम्मी दिखा जरा, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं दिख रहे। आई मैं, रुको जल्दी जल्दी जल्दी, मेरी जनता इंतजार कर रही है आपका। अरे अल्लाह, वो मैं बोली ना 16 साल वाले नखरे इनके अंदर फिर चले गए। चलो देखो, आज आंटी ने सुबह सुबह हमारे लिए पाव बटर कीमा और व्हाट इज दिस, अरे जलेबी सुबह सुबह लेके खाओ खाओ, ठीक है खा रहे जा रहे हैं अभी आंटी और इन लोग सब अलविदा कर रहे हैं। मैं अभी नाश्ता करूँगी, मैं जस्ट उठी हूँ और फिलहाल पानी पी रही हूँ, गर्म पानी, शिया सीड्स और जलेबी भी खाऊंगी। हेल्थ का केयर भी करूंगी और हेल्थ को ख़राब भी करूंगी। हेल्थ का केयर, हेल्थ ख़राब, अस्तगफुरुल्लाह, नहीं नहीं। और अफशा सुबह सुबह अपनी मीटिंग में फिर से बैठ गई, आज के इसके एग्जाम्स चल रहे हैं। अरे हो गई, ब्रेक मिला, लंच ब्रेक। वाह यार, मैं तो स्लो स्लो आई दिखा रहा हूँ तुझे, क्या यार अफशा इतनी जल्दी हो गई लंच ब्रेक इतनी जल्दी। आ गए ये लोग भी, कहाँ है बाकी के दो? अच्छा, सो ये रहा मेरा नाश्ता जो जी की मम्मी लेकर आए थे, कीमा और कबाब और ये पाव। मतलब ऐसे खाती तो नहीं हूँ, इतना हैवी नाश्ता बड़ा भी लाया है तो खा रही हूँ। खाई तूने? हाँ। गाइस अफशा के लिए दुआ करो कि उसका बेस मुंबई में मिल जाए। वैसे रिजल्ट अभी आ जाएगा, आज ही आ जाएगा ना रिजल्ट, व्लॉग बाद में आएगा तो मैं आप लोग को जब आ जाएगा तब बता दूंगी कि उसको किधर का बेस मिला। फिर भी आप लोग दुआ करो। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बान अभी यहाँ पे सुबह सुबह उठकर पपैया काट रहे हैं। बान बैग कैसी आपकी? रात के सोते हो, सुबह में जब उठो तब ठीक लगता है। हाँ थैंक यू मम्मी, मेरा नाश्ता चल ही रहा है अभी तक, मैं बहुत स्लो खाती हूँ। अनम ने उठे? हाँ ना, मैं कल लेट कितना सोए, तुम लोग के भी बात सोई, मैं लेटे लेटे भी अनम मेरे बात सोई, लेकिन मैं जब सोई ना तुम पता नहीं कब सोई, समझा ही नहीं। हाँ भूल गई। अच्छा बान को गाइस भूलने की बीमारी हो चुकी है। अल्लाह ना करे, लेकिन उसको इंग्लिश में मेरे ख्याल से एप्रिकॉट बोलते, नहीं एप्रिकॉट नहीं बोलता, कुछ और बोलते, भूल गए। सब लोग ने मेरे को कमेंट करके बताया कि उसको किसी को कमीनो बोलते, किसी को एप्रिकॉट बोलते, कुछ जर्दालू बोलते, मैं अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से, अब जो भी बोलते मेरे दिमाग में बैठ गया। उसके बाद मैंने, अरे वाह अफशा अलग है, अफशा अलग ही है भाई। इसने बोली कि वो सीखा का, ये मैं भी सीखा था, खाता
अच्छा शिखा का है काला, थोड़ा ब्राउनिश होता है, तो वो सब ब्राउन कलर के होते हैं। बस तुम नियत कर लो, जो भी चीज़ है भाई, घूमने की हो, जहाँ पे उमड़ा जाने की हो, आपकी जो भी। हाँ तो अभी ऐसा है कि हम लोग चल रहा था, तो मैं अपना वो थोड़ा सा काम बिस्तर विस्तर फोल्ड करते करते मेरा बेटा है ना, उसका दोस्त आया, वो अपना पबजी खेल रहा है, और मैं बिस्तर फोल्ड करते करते उसको क्या बोली, देख हम लोग है ना कश्मीर जाने का प्लान कर रहे, तू आएगा क्या? तो बोला हाँ आंटी हम लोग को भी जाने का, तो क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और बोले मेरे को किधर, हम लोग ऐसा गए नहीं। तो मैं बोली चल ना फिर तू भी चल और शाइस्ता को भी लेके चल। तो उसने क्या करा ऐसा पीजी को, हाँ चलेंगे। वो शाइस्ता कौन है? अरे आंटी क्या मेरा डिवोर्स कराएंगे ना, मेरा नाम शर्मिल से, औरत का नाम शाइस्ता नहीं है, शगुप्ता है। क्या यार बात। तो मैं बोली अरे अल्लाह, मेरे को ना नाम मेमोरी, एक्चुअली नाम है ना वो भी वाला सीन मत है, कल वाले मेरे व्लॉग में भी तो मोइन मून ने मोइन चाबी अंदर ही भूल गया, अब क्या करो तो मेरा ऐसा विंडो है जो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग में देखा होगा, विंडो है, तो अब मैं क्या करी, कोई विंडो इतनी ऊंची है तो कोई बच्चा मिले तो मैं इसको चढ़ा दूं, तो इतना चढ़ नहीं सकती। तो मैंने बच्चे को पकड़ी, बच्चे को बोली बेटा जरा अंदर जा, अंदर जाके तू वो चाबी निकाल के मेरे को दे। वो बच्चा उतरा, अंदर गया, मेहनत किया, आंटी कौन सी चाबी। तो मैं बोली वो नहीं, वो आंटी ये वाली, मैंने उसका हाथ भी नहीं जा रहा है, आंटी ये नहीं आंटी, हाँ ये। फिर उसे चाबी ला के मेरे को खिड़की के पास दिया, मैंने उसको उठाई और लेकर आई बाहर और अंदर चल। तो मिली चाबी की जरूरत क्या थी, वो डायरेक्ट अंदर लॉक भी खोल, वो ही तो डायरेक्ट लॉक खुलवा देते उससे। होता है कभी कभी गए बान भाई, बान के बान खालू की मोहब्बत में दुनिया भूल गए। इसका आधार कार्ड का वो जो लाइट का बनाना था पता है क्या, वो तेरी मम्मी ने दी थी, इसका आधार कार्ड का जो लाइट से वो ज्वाइन करना था वो भी इसकी मम्मी मेरे को दी, कि तेरे वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है उसको बोल के जो करते ना तो वो उसको बोल देना करने के लिए। मैं बोली ठीक है, तो मैंने उसको बोली कि तुम इलेक्ट्रिक उसको बोली कि तुम्हें ना, अरे वो जो बंदा है ना, तो बोले कौन सा खालू, बोले कौन सा बंदा, तो मैंने बोली वो जो है ना उसको बोलना सिकंदर नाम, अभी भी नाम नहीं। मम्मी आपकी बहन को क्या हो गया है? हाँ तो मैंने बोली वो मैं अपना काम करती हूँ, बोली वो दीदी ने दिए है आधार कार्ड, वो ये तो सिकंदर को बोल के लाइक करो। खालू का रिएक्ट भी नहीं आ रहा है। मैं बोली अरे सिकंदर को बोलो खिलाओ, फिर रिएक्ट नहीं। बोले अरे तुमको बोल रही उसको कब, तो हाँ हूँ तो बोला। अरे तो बाबा कौन सिकंदर, अरे तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता, उसका नाम सलाउद्दीन है। जा रहे तो बान ठीक हो जाएंगे अब इंशाल्लाह गाइस, दुआ करना मेरी काल आगे। या अल्लाह सीरियस मैटर है, नाम में प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो अगर मैं ना ब्लॉगिंग करूंगी और कुछ चीज भूल जाऊंगी तो प्लीज उसको इग्नोर करना। हां तो मुझे क्या नहीं देना, हां वो चाहिए था पॉइंट का, हां बोल दे। चलो गाइस मेरे कीमा भी ठंडा हो गया, हां हां बोल दे। अफान भी स्कूल से आ चुका है और ये काम अब तक बंद नहीं हो रहा है। पीटी था वो भी आज नहीं था, मैं डांस टीम में तो पहनना पीटी मंडे वो बिहाइंड बोल रही गो बैक। तेरे चक्कर में मेरी इंग्लिश खराब हो गई, बस अफान उतर जा। मम्मी नानी बाहर ने लोग सब पता नहीं क्या मछली का बना रहे, क्या बना रहे मम्मी, और खिचड़ी बन गई, कढ़ी खिचड़ी कढ़ी तो नहीं, अल्लाह कितना गैस गर्म हो गया मम्मी। तो ये लोगों मेरे हाथ का मसाला खा रहे हैं मछली फ्राई में, तो मैं बस मछली फ्राई का मसाला बना रही हूँ और ये लोग लगा देंगे। ओह शिट मम्मी संभालो बाबा,
आजा मोमोस इसी वनम के रूम में जाने के लिए वेट करता है ऐसे बाहर चल अनम भी उड़ गई है और अफशा के व्लॉग देख रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल तो खाना तूने बना दी पर सुबह से देख रही को ऐसा लगा मैं खा ही नहीं पहले बान को प्याज दिए पपैया दिया अभी मौसम्बी का जूस बनाना है तो मौसम्बी छिल रहा अब भी मैंने पूरा टेबल साफ की थी फिर गंदा हो गया ये है मछली फ्राई अरे मम्मी रू ये है कड़ी खिचड़ी करेले की सब्जी मछली फॉर अफशा बिकॉज अफशा को मछली इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट बैठ जाओ चलो आने खाना हाँ ले लो एक जहाँ से फरजाना ऐसे लंबे हाथ करती है कान के सॉरी फरजाना अब यहाँ बता रही हूँ शबाना यहाँ बता रही थी मैं शबाना मैं तुम्हारे ऊपर चली गई नाम बोल रही हूँ क्या जोक मारा क्या जोक मारा शबाना वाह वाह इसी बात पे वीडियो में यही बंद करती हूँ बाय और यहाँ पर हम सब थक कर थोड़ा सा नैप ले रहे थे और बिग बॉस देख रहे थे क्योंकि सुबह से किचन में थे सब